हेलो दोस्तों, 10 बजे धूप आई है, ठीक है, और मैं बंदर हका रहा हूँ। क्यों? ये बढ़िया सुखाई जा रही हैं, ये आज इनका, आज इन्हीं का पहरा, इनका पहरा है। ये बड़ी सुखा रखी हैं, ये मिर्चा हैं, ये चोलाई, ये पानी गर्म हो रहा है, सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से पानी गर्म कर रहे हैं हम, क्योंकि आजकल पानी इतना ठंडा होता है दांतों में लगता है। ठीक है, ये देखिए मैं भी घर में हूँ, बंदरों का पहरा लगा हूँ। ये देखो नदी की ओर को आए हुए हैं बंदर, ये दो दो ऊपर बैठे हुए हैं वो। ये हैं, देखो देख रहे हैं, ये देखो इन्हीं का पहरा करना पड़ता है, नहीं तो ये बड़ी सब साफ कर देगा। बड़ी हम नहीं खाएंगे, पता चला इन्होंने खा दी बड़ी सारी अभी नदी पे। ये देखो ये हमारी नदी है, ये बंदर ही बैठा हुआ है, ले कुटाई कर दूंगा मैं तेरी। ये देखो ठीक मेरे घर के पीछे ये नदी है, बंदरों का आतंक है यहाँ। यहाँ कोई भी चीज़ आप धूप में सुखाने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि ये सीधे ही बंदर कर देते हैं। ये देखिए, ये 1, 2, 3 ये बैठे हुए हैं इन्हीं के पहरे में। ये मेरा भतीजा हुआ है बेंगलोर से, ये इनकी ऑनलाइन वो चल रही है, जॉब चल रही है, तो ये बंदर, अच्छा लकड़ी है इधर भाई, ये भी बंदर हकाने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस बार आपदा में पूरी नदी आ गई थी, तो नदी ने पूरे हमारे नीचे यहाँ पर बगीचा था, बगीचा सब बहा दिया। फिर उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पर एक हमारा स्रोत भी हुआ करता था पानी का, स्रोत तो अभी भी है पानी का, इसमें गर्म पानी आता है। आजकल जैसे जाड़ों के दिन हैं, जाड़ों में गर्म हो जाता है पानी और गर्मियों में ठंडा हो जाता है, ये स्रोत है। ये सब नदी आई हुई थी यहाँ पर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, तो ये सब ये पूरा, जबकि यहाँ पर वो था, पूरा बगीचा था। ये आम का पेड़ देख रहे हैं आप, छोटे छोटे आम के पेड़ थे, वो तो सब बह गए। वो देखो वो पेड़ वो तो तिरछा हो गया, ये तो पूरा ही लेट गया है। ये आम का बगीचा था, ये हमारा धारा था, अभी भी है धारा। ये एक्चुअली मेरे रेस्टोरेंट है जो ऊपर, त्रिभुवन रेस्टोरेंट, उसके लिए पानी की सप्लाई यहीं से करते हैं हम, क्योंकि पानी गर्म आता है तो हमें गीज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट में जो हमारा मसालची है उसके बर्तन वर्तन धोने के लिए, ये देखिए पानी इतना साफ पानी है, अब थोड़ी सी सफाई मांगता है, क्योंकि अभी पिछले मैंने ही नदी पूरी, इसमें नदी थी तो ज़रा समय नहीं मिलने की वजह से। ये देखिए ये सामने ये पूरा रौला आया हुआ है, ये देखो ये मेरा सामने घर है, ये पीले रंग का आप मकान देख रहे होंगे, ठीक है, ये अंदर की ओर को लंबा है। ये देखो ये बंदरों ने आतंक कर रखा है। अरे भाभी ऊपर को आ रहे हैं 2 बंदर जी, अब मैं ऊपर ही जाता हूँ, वहाँ पर सुखाने के लिए रखे हुए हैं बड़ियाँ, खीरे की बड़ी, पापड़ की और भुजे की, जिसका पेठा बनता है उसकी बढ़िया बनती हैं, तो वो चावल के साथ आप खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये देखो ये फुलवारी है, ये मैं आ गया, ये भाभी ने हमारी डाई कर रखी है, देखो ये भाभी, ये देखो ये फूल,
ये है हमारा घर, ये गांव में रहते हैं यार भाई साहब। ठीक है, ये नदी है, ये घर है। तो जब बरसात में जब आपदा आई थी तो जान जो है हलक में आ गई थी। दो रात तो सोए नहीं क्योंकि पूरा यहाँ पानी भरा हुआ था, जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वो सामने जहाँ पर ग्रीन ग्रीन आपको वो दिख रहा है, यहाँ पर उत्तराखंड टी बोर्ड वालों का नर्सरी थी इनकी। तो ये नर्सरी पूरी दब चुकी है, आप देख रहे होंगे कम से कम 20 नाली ज़मीन दबी और बही। 10 नाली तो दब गई है, 10 नाली बह गई है उधर को। अभी हमारे नदी के पार की साइड भी हमारे कुछ खेत हैं। ये है भाई साहब पहाड़ों का जीवन ऐसा ही है। मेरे कुछ मित्र दिल्ली मुंबई लखनऊ बाहर रहते हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यार पहाड़ क्या चीज़ है। ठीक है, और जो प्लेन्स में बैठे मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे शेयर करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो भी आते हैं यहाँ पर गर्मियों में छुट्टियाँ बिताने के लिए, जब प्लेन्स में गर्मी पड़ती है। ये मैं जा रहा हूँ अपने पुराने घर जहाँ मम्मी रहती है, हम लोग तो यहाँ रहते हैं। ये बड़े भाई साहब का, छोटे भाई साहब का, वो मेरा कमरा है, वो खाली है। ये बंदर ऊपर से भी इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये मम्मी मेरी डंडा लेकर के बैठी हुई है, बंदर। ये जाने यहाँ पर काली दालचीनी, दालचीनी और काली मिर्च सुखा रही है। तूने बनाया क्या क्या है? अच्छा, झोई भात, झोई भात और भटे चुनकण बन रहे जल। यह इच्छे मेरी। ठीक छ, खान खानो आप? ठीक है, भटे चुनकण और के झोई भात सफेद दाल ने सफेद दाल चाणता नहीं खोल झोई और वो खोल खेल। ठीक छ, ये है झोली और भट्ट की जुड़गानी, जो भट्ट होते हैं ना काले वाले भट्ट। ये आहा नंदी ना का छोड़नी बे, नंदी ने दगड़ जोड़े भाई। ये है साहब, इसको मिक्स करके खाया जाएगा तभी आएगा मज़ा, हल्का हल्का। ये तो आप लोग भी लंच करो भाई साहब, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, आगे की जानकारी जब आप मेरे को मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।